सुल्तान फकरा के बारे में कहा जाता है उन्हें खुदा कहो या बंदा कहो, दोनों सही है, ये कैसे हो सकता है कि बंदा खुदा बन जाए? बात यह है कि जो इंसान के अंदर लतीफे हैं वो तो हैं ही, अगर इनके लिए वो वली बनता है तो वो खुदा नहीं कहलाता। कुछ वली ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ से खास अनवार, जिनको जुसर तो सीखे लिए वो बोलते हैं, वो देता है। किसी को तिफले नूरी देता है वो अपनी तरफ से, तो फिर वो बंदे में वो बंदा नहीं होता है, फिर वो अल्लाह ही बोलता है। और उनके लिए कहता है कि बंदा नौसल के लिए मेरे इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। ये उन लोगों के लिए है। और कुछ लोग ऐसे हैं, एक दफा अल्लाह ताला ने ख्याल आया कि देखूं मैं क्या हूं, कैसा हूं मैं, जिस अपनों को कभी ख्याल आता है इस चीजें में देखूं कैसा हूं मैं, अल्लाह को भी ख्याल आ गया कि देखूं मैं कैसा हूं, सामने अक्ष पड़ा तो अक्ष एक रूह बन गई, अल्लाह उस पे ऐसे हो गया, वो अल्लाह पे ऐसे हो गया, वो हजूर पाक की मुबारक। फिर अल्लाह ताला ने खुशी से फिर जम्बस इधर उधर घूमा तो सात और रूहें बन गई, वो सुल्तानों की रूहें थी ना, तो वो रूहें जब दुनिया में आई तो फिर सूफी सुल्तान बोल रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर इनको अल्लाह कहा जाओ तब भी गलत नहीं है, तो वही रूहें। इसके लिए जाओ ना तो सूफी सुल्तान बोल रहमतुल्लाह का रसाला रूही है, उसका मुताला करो तो ज्यादा मुतमिन हो जाओगे।